क्या पता यार, 5 मिनट से खड़ा हूँ, लाइव ही नहीं हो रहा हूँ, समझ भी नहीं आ रहा है क्या हम लाइव हो गए हैं। मेरे को बता दो क्या, 5 मिनट से मैं खड़ा हूँ, पता नहीं लाइव हुआ कि नहीं। आई थिंक अब लाइव हो चुके हैं हम, ठीक है। बता दो मेरे को, लाइक वाइक ठोक के लाइक लाइव हुए कि नहीं हुए। फटाफट अपने दोस्तों भाइयों को बुलाओ, क्लास स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। भाई थोड़ा सा दुख वाला दिन है मेरी लिए आज, कि आज हमारी क्लास करंट अफेयर्स की जो क्लास है, ठीक है, जहाँ तक उसका आज आखिरी दिन रहने वाला है। 99% आज उसका क्या रहने वाला है, आखिरी दिन रहने वाला है, ठीक है। तुम लोगों ने मेरे को अगर इमोशंस में बहा दिए, ठीक है, और टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ तो अलग बात है, बट 99%, क्योंकि आज कटिंग कटिंग ज़्यादा है, कटवाना ज़्यादा है, ठीक है, और ई बुलेटिन पढ़ाना है अगस्त की, मेरे को लगता नहीं है कि कंप्लीट नहीं होगा, हो जाएगा मेरे हिसाब से, बट लेट्स सी। ठीक है भाई, आज हम लोग करंट अफेयर्स का लास्ट लेक्चर रहेगा, बट टेंशन मत लो, मास्टर क्लास भी लेगा तुम्हारा भाई, अब बीच लेने वाला है। मास्टर क्लास इज इन रिविजन, जिसके अंदर नए पुराने बच्चे दोनों देख सकते हैं, ठीक है, शेड्यूल के हिसाब से लेगा तुम्हारा भाई। और उसके अलावा बिजनेस एनवायरमेंट एक टॉपिक है, सब्जेक्ट है बेसिकली, वो भी तुम्हारा भाई तुमको क्या करके देने वाला है, पढ़ाने वाला है। सो डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट, डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट, ठीक है। नहीं सर ऐसा मत करो, अरे मैं कहीं, मैंने बताया ना नालायक, मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम लोग लाइक नहीं करते हो ना, तुम लोग डिसलाइक ज़्यादा करते हो, इसीलिए मैं बोला छोड़ो अब। देखो है, दो हमारे दोस्त आ गए, कहाँ थे ये हमारे दो दोस्त, आ गए हमारे दो काला टीका लगाने वाले, जितनी जल्दी आ जाते हैं। अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पे ही हूँ, बट स्टिल करंट अफेयर्स हमारा कंप्लीट हो गया है। सो करंट अफेयर्स के बाद भी अब हम लोग चालू करेंगे क्या, बिजनेस एनवायरमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग बिजनेस एनवायरमेंट पढ़ने वाले हैं, मैं ही पढ़ाऊंगा, अच्छा ही पढ़ाता हूँ थोड़ा बहुत, देख लेना तुम ही बताना अच्छा है बुरा है, ठीक है। चलिए काजल, गेम ले रही है काजल मेरी, सर आई फील रियली लाइक आई स्टार्ट क्राइंग। अरे अरे बाप रे, इतना गेम ले रहे तुम लोग तो मेरी। नहीं मनी हेस्ट मैंने नहीं देखा, कल देखूंगा, कल सैटरडे है ना, कल देखूंगा मनी हेस्ट, मैं कल देखूंगा। मैं कहीं नहीं जा रहा भाई, सब्जेक्ट चेंज हो रहा है सिर्फ, कल मैं कहीं जा नहीं रहा, ऐसे रो मत, अजीब सा लग रहा है मेरे को, जिंदा हूं मैं। चलो खैर, सो फटाफट बच्चों लोगों को बुला लो, नहीं तो फालतू में क्या है, दो डिसलाइक आ गए हैं, क्या ही बोलूं मैं, अच्छा नहीं लगा मेरे को आज। चलो सो गाइस, कल हमको याद होगा तो हम लोगों ने कल यहाँ तक का टॉपिक खत्म कर दिए थे कि कमर्शियल रोल आउट ऑफ जियो फाइबर हो चुका है, ठीक है। राजनाथ सिंह जी फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर है जिनने LCA तेजस क्या करा है, फ्लाई किया है, ठीक है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। LCA फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। ऐसे फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर है जिनने भाई लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मतलब LCA तेजस जो है वो विमान क्या करा है, उड़ाया है। तो ये हमने कल ऑलरेडी इसको क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे, और उसके आगे मैं तुम लोगों को बता रहा था कि कुछ बुक्स वगैरह दी हुई है जो याद रखने की जरूरत तो नहीं है, बट अगर रख सको तो रख लेना, क्यों ये जरूरत नहीं है, उसका रीजन है कि 2020 के स्टार्टिंग स्टार्टिंग जनवरी 2020 के स्टार्टिंग, ठीक है, या 2019 वो टाइम पे ये बुक्स क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी, कुछ ऑथर्स ने अलग अलग बुक्स क्या करी थी, पब्लिश करी थी। हम उसको ऊपर ऊपर से नाम पढ़ते हुए चलते हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में आ जाए, क्योंकि अगर पूछा भी, मतलब ऐसे तो पूछने के चांसेस 0% है, बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। तो हिस्ट्री पढ़ रहे होते तो पिछले 2 साल पहले के क्या हुए थी चीज़ें, या 50 साल पहले क्या चीज़ें हुई थी वो पूछते थे, बट हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये बात हम जानते हैं, पर स्टिल हम लोग उसकी हेडिंग्स क्या करते चलते हैं, पढ़ते चलते हैं, ताकि आप हेडिंग्स हेडिंग्स भी याद रख पाए अगर 2-4 बुक्स की तो अच्छा है, जस्ट नॉलेज के लिए, कल को KBC ABC में गए तो पता होना चाहिए ना तुम लोगों को, ठीक है। चलो तो कर्म योद्धा ग्रंथ ऑन द लाइफ ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी, भाई पीएम नरेंद्र मोदी जी के लाइफ पे क्या लिखी गई थी, कर्म योद्धा ग्रंथ, एक बुक लिखी गई जिनका नाम है क्या, कर्म योद्धा ग्रंथ। इसको रिलीज किसने किया था, मतलब लिखा इनने नहीं था, अमित शाह साहब ने, लेकिन इसको रिलीज किसने किया था, अमित शाह साहब ने अपने हाथों से इसको क्या किया था, रिलीज किया था। आर गेटिंग माई पॉइंट, और बुक्स ने पूरी जो लाइफ है पीएम मोदी जी की, उनके टेन्योर, सॉरी द बुक एक्सप्लेन वेरियस वर्क बाय पी एम नरेंद्र मोदी, बेसिकली उनकी लाइफ नहीं, सॉरी मैं गलत बोल दिया, उनके जो टेन्यूअर के दौरान, मतलब वो जो 5 साल उनने काम किए, जो उनका पीरियड है ऐसे प्राइम मिनिस्टर, उनने उसके अंदर क्या क्या काम किए हैं, वो सारी चीजें इस बुक के अंदर लिखी गई थी। क्लियर, सो दैट इज करम योद्धा ग्रंथ ऑन द लाइफ ऑफ पीएम मोदी। दूसरा टर्बुलेंस एंड ट्रिम द मोदी ईयर्स बाय राहुल अग्रवाल, राउट राहुल गांधी बाय राहुल अग्रवाल, ठीक है, भाई राहुल अग्रवाल एंड भारती एस प्रधान, ठीक है। तो दो लोगों ने मिलके ये एक और बुक लिखी थी, टर्बुलेंस एंड ट्रिम, किसके लाइफ पे, मोदी जी के
लाइफ पे, एज इन उनके पीरियड के, उनके टेन्योर पे। उसके अलावा ये मतलब मेरे पर्सनल फेवरेट है सावरकर साहब जो है, वीर सावरकर साहब, ठीक है, मतलब क्या ही बताऊँ इनके बारे में मैं। तो वीर सावरकर साहब की लाइफ के ऊपर जो बुक लिखी गई थी बाय विक्रम संपत, बाय विक्रम संपत, बुक का नाम क्या है, फाइटर एंड फिलोसोफर विनायक दामोदर सावरकर, फाइटर एंड फिलोसोफर विनायक दामोदर सावरकर, जिनको हम प्यार से मतलब जिनको हम उपाधि दी हुई है क्या, वीर सावरकर साहब, ठीक है। तो उनकी लाइफ के ऊपर ये बुक लिखी थी बाय विक्रम संपत। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है बेसिकली मैं बताऊँ ना, याद रखना, बट ठीक है, पढ़ा दे रहा हूँ, हेडिंग्स पढ़ा दे रहा हूँ, टेंशन मत लो, ये बोरिंग बोरिंग चीज़ें जो है, ये जो बुक्स के नाम ये वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोगों को ना बाद में ड्यूरिंग द लेक्चर ज़्यादा टेंशन रहे ना, ठीक है। तो डोंट टेक टेंशन, इसको मैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में फटाफट कंप्लीट करा दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को बाद में दिक्कत ना हो। दूसरी, लिस्निंग लर्निंग एंड लीड इन बाय श्री एम वेंकैया नायडू। हमारे जो कौन है एम वेंकैया नायडू, इनका मैं भूल गया पोस्ट में, नाम याद नहीं आ रहा, कौन है ये बंदा, तो कोई बड़ी पोस्ट वोस्ट पे, देखो बरा बताओ बरा जरा चैट में एक बार मेरे को, आई वॉन्ट आंसर इन चैट, कौन है ये बंदा, मतलब ये बंदे कौन है, थोड़ा इज्जत से बोलना चाहिए क्योंकि कोई बड़ी पोस्ट पे है, लेकिन बताओ कौन है। बच्चा बोल रहा है आरएसएस से जुड़े हैं क्या आप, मैं भाई हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान से जुड़ा हूँ, ठीक है, तो हिंदुस्तान में जो जो ऑर्गेनाइजेशन है मैं सबसे जुड़ा हूँ, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। चलिए, वाइस प्रेसिडेंट, क्या बात है, क्या क्या बात है, वीपी है हमारी कंट्री के, मतलब वाइस प्रेसिडेंट साहब है हमारी कंट्री के, ठीक है, वेंकैया नायडू साहब। और उसके अलावा भी इनकी एक पोस्ट है, ये राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं, ठीक है, राज्यसभा हेड स्पीकर बोलते हैं, तो वो कौन भी है, वो हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं, वही राज्यसभा के क्या रहते हैं, स्पीकर भी रहते हैं। तो एम वेंकैया नायडू साहब जो है, भाई साहब एम वेंकैया नायडू साहब, इनने भी क्या लिखी हुई है, लिस्निंग लर्निंग एंड लीडिंग एक बुक लिखी हुई है, तो याद रख सकते हो तो रख लो, नहीं भी रखूंगा तो चलेगा, बट हेडिंग इसलिए मैं मार्क करवा के दे रहा हूँ, ठीक है। विवेकाधीपिनी बाय आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य इसको रिलीज करे थे हमारे एम वेंकैया नायडू साहब ने, बुक को रिलीज करा था ये, उनने लिखी है किसने, विवेकाधीपिनी किसने, बाय आदि शंकराचार्य। सर याद रखना है क्या, मोदी जी के एक दो बुक याद रख लो चलेगा, ठीक है। और वीर सावरकर साहब की बुक तो वैसे मैं जनरल बोलूंगा, उसका नाम आप लोग याद रखो, और कभी मौका मिले तो जरूर पढ़ना, मतलब वो तो मैं एग्जाम में आए ना आए दैट इज अ डिफरेंट पार्ट टॉपिक, लेकिन मैं पर्सनली बोलता हूँ कि एक बार आप लोगों ने पढ़नी चाहिए, बाकी आपकी इच्छा। अगर नई बुक पढ़ने की इच्छा होंगी तो उनके बारे में वीडियोज देख लेना, वो भी अच्छे है। दूसरा, स्पोर्ट्स पढ़ना ही नहीं है, स्पोर्ट्स पढ़ना ही नहीं है भाई, आईसीसी वर्ल्ड कप के बारे में कोई जानने की जरूरत है क्या, 2019 का हम तो हार गए थे, हमको क्या करना है, हम तो हार गए थे क्रिकेट वर्ल्ड कप 19 वाला, 15 वाला भी हार गए थे, 11th वाला जीते थे, कोई नहीं नेक्स्ट वाला 23 वाला जीतेंगे, होप नहीं खोते हैं। चलो, सो ये सर पढ़ना है क्या, ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, काटा लगा दो। बट काटा लगाने से पहले यहां पे मैं लिख देता हूं, इफ यू वॉन्ट यू कैन रीड, ठीक है, इफ यू वॉन्ट यू कैन रीड, तुम्हारी इच्छा है, स्वयं इच्छा है, रीड करना है करो, नहीं इच्छा है मत करो। सर पेपर में आने वाला है कि सवाल इस पैदा नहीं होता है, स्पोर्ट्स भाई 20 नंबर है, जितने भी नंबर का हमारा पेपर आएगा, 20 जो भी नंबर का हमारा पेपर आएगा, ठीक है, तो उसके अंदर आप चीज़ें एक दिमाग में बैठा के रख लो कि जितने भी नंबर का हमारा पेपर आएगा, ठीक है, तो उसके अंदर स्पोर्ट्स को ही पूरा पेपर नहीं दे दिया जाएगा, पूरा पेपर के अंदर स्पोर्ट्स कैटेगरी की करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला। तो स्पोर्ट्स के कैटेगरी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक दो मैक्सिमम तीन आएंगे, बहुत बोल दिया मैंने, एक दो तीन क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि बाकी टॉपिक्स भी तो है। तो क्या एक दो तीन क्वेश्चन तुमको लगता है कि जो ओलंपिक्स हुए हैं जो ईयर में, अभी रिसेंट में ही पैरालंपिक्स हुए हैं, ठीक है, उनको छोड़ के तुमको ये 2019 का वर्ल्ड कप पूछेंगे, हो गया भाई वो वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप 2019 का, 2023 में पूछेंगे, तो जो बच्चे 23 में आएंगे उसके बारे में उनको 23 का बताऊंगा। सर बुलेटिन नहीं करवाना क्या, करवाएंगे ना भाई, क्यों नहीं कराएंगे, तो ये आपकी मर्जी, ये काटना है काट दो, पढ़ना है पढ़ लेना। ओलंपिक्स हम कहाँ से पढ़ेंगे, फ्रॉम ई बुलेटिन, मैंने बोला ना आज का लेक्चर वैसे भी सब पूरा कटिंग वाला ही रहने वाला है, ये हम कहां से पढ़ने वाले हैं, फ्रॉम ई बुलेटिन, तो यहां से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जो महान है वो पढ़ सकता है भाई, क्योंकि कैसा है ना बच्चे फिर गाली वाली मारते, उससे अच्छा मेरे को अच्छा नहीं लगता फिर,
मेरे को लगता है यार ये गलत बात लग बोल दी बच्चों ने, तो मैं इसलिए बोलता हूँ भाई जिसको पढ़ना है पढ़ो, ठीक है। अच्छा ये दो चीज़ें, और कपिल देव साहब ने फर्स्ट चांसलर बने थे राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के, ठीक है, राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है हमारी कंट्री के अंदर, उसके फर्स्ट चांसलर हमारे जो कपिल देव साहब है उनको बनाया गया था। ये जस्ट नॉलेज पर्पज याद रख लो, मैं इसलिए इसको स्टार मार्क करता हूँ, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन मैं जस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क कर रहा हूँ कि इसका इतना याद रख लो कि राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के, राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के फर्स्ट चांसलर जो होते हैं, ठीक है, मतलब एक प्रकार से आप यूनिवर्सिटी का हेड बोल सकते हो, जो यूनिवर्सिटी को चलाते हैं, ठीक है, वो किसको बनाया गया, कपिल देव साहब को बनाया गया था। पुरानी न्यूज़ है, काफ़ी पुरानी है, 2019 सितंबर की न्यूज़ है अगर आप देखोगे तो, ठीक है, अभी की न्यूज़ नहीं है, बट ठीक है ये पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरा पी वी सिंधु जो बैडमिंटन प्लेयर है बहुत बड़ी, ठीक है, उनने 2019 में गोल्ड जीता था BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में, लेकिन अभी अगर आपको बताओ तो ये नहीं पूछेंगे, अभी ये पूछने वाले हैं जरूर, और मेरे को चैट में आप लोगों से आंसर चाहिए कि पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन प्लेयर बहुत बड़ी, उनने ओलंपिक्स में कौन सा मेडल जीता है, आई वॉन्ट दैट आंसर। ये भाई ये रजत राज एक नंबर बात बोला भाई, सॉरी 2 मिनट, आज मेरा मूड थोड़ा सा बढ़िया है, मैं थोड़ा सा इसकी बात पढ़ूंगा, मतलब ये बोलता है, बोले सर मैंने मेरे पड़ोसी को बताया, सॉरी मेरे पड़ोसी को, सर मेरे पड़ोसी को पता चला कि मैं CS कर रहा हूँ, तो मेरे कान में मैं कहने लगा कि तुम लड़की थोड़ी ना हो। अब उसके आगे मैं नहीं पढ़ता हूँ, तुम लोगों को पढ़ना तो पढ़ लेना, कौन सी समझ ले भाई, ये कौन सा वाला पॉइंट हो गया कि CS सिर्फ लड़कियाँ करती है, किस मतलब किसने बोला ये बात तुमको, तुम्हारे पड़ोसी को किसने बोला, ठीक है, कुछ भी मतलब बोलना है भाई, पता नहीं है उसको, वो सादा वाला सेक्रेटरी समझ लिया होगा भाई, कंपनी सेक्रेटरी पता नहीं है उसको, की मैनेजरियल की पर्सन होते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रजत, टेंशन मतलब तू बन जा, तेरे पास काम के लिए आएंगे ही वो, देख लेना 100%, कुछ नहीं कर सकते भाई इनका, बट बाकी बहुत यूनिक बोला तेरे पड़ोसी ने। इशिता खंडेलवाल बोल रही है सर ये कहाँ पे है, कौन सा वाला पार्ट, समर और विंटर ओलंपिक गेम्स, बेटा ये पढ़ना ही नहीं है, कोई नीड ही नहीं है इन चीज़ों की पढ़ने की, ठीक है, विंटर ओलंपिक गेम्स February 4, 2022 एट बीजिंग पीपल्स रिपब्लिक हैविंग वॉन द बिड ऑफ 2022 ओलंपिक गेम्स, ये सब हमारे काम का ही नहीं है बेटा, करंटली जो ओलंपिक्स हुआ है बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। कुछ मिक्स ऑफ ओपिनियन आ रही है, कुछ लोग ब्राउन्स बोल रहे हैं, कुछ लोग सिल्वर बोल रहे हैं, कुछ लोग ब्राउन्स बोल रहे हैं, कुछ लोग सिल्वर बोल रहे हैं, ठीक है, हाँ तनिका शर्मा, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ वो जुलाई वाली ई बुलेटिन जो है ना, आप जो बोल रहे हो वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। चलो खैर, अब थोड़ा सा यहाँ पे ही देख लो, पीवी सिंधु के बारे में तो हम करने ही वाले ई बुलेटिन में 5-10 मिनट, थोड़ा सा ये देख लो, टुडे देर आर 7111 लैंग्वेजेस स्पोकन इन दी वर्ल्ड, इंटरेस्टिंगली जस्ट 23 लैंग्वेजेस अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ दी वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, भाई वैसे देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में 7111 लैंग्वेजेस बोली जाती है, उसमें से सिर्फ 23 लैंग्वेज ही ऐसी है, 23 लैंग्वेजेस जो आधे से ज्यादा वर्ल्ड बोलता है, मतलब अगर आपको याद करना है तो आप आधे से ज्यादा वर्ल्ड में अगर घूमना चाहते हो तो आधे से ज्यादा वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है सिर्फ 23 लैंग्वेज बोलता है, वैसे देखा जाए तो टोटल 7111 टोटल क्या है लैंग्वेजेस है, सर याद करना है क्या, हाँ याद रखना है, याद रख लेना, ठीक है याद रखना है। दूसरा, लैंग्वेजेस इन इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट, अब हमारी कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इसके बारे में दिया हुआ है, उसके अलावा जो अलग अलग स्टेट्स है उन हर स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब वो लैंग्वेज जो लैंग्वेज में वो कम्युनिकेट करते हैं थ्रू कम्युनिकेट करते हैं किसके साथ, दूसरे लोगों के साथ, या तो जनता के साथ, या तो दूसरे जैसे एक स्टेट गवर्नमेंट दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट करती है या जनता के साथ कम्युनिकेट करती है। अभी तुम लोग देखते थे कोरोना के लिए गाइडलाइंस आती थी तो जो लोग महाराष्ट्र में रहते थे वो गाइडलाइंस मराठी में आया करती थी, ठीक है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वो गाइडलाइंस देती थी तो वो अलग लैंग्वेज में आती थी। तो वही आपको बोला हुआ है कि व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, ठीक है। सो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 346 347 कॉन्स्टिट्यूशन का, द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट मे बाय लॉ अडॉप्ट एनी वन और मोर लैंग्वेजेस इन यूज इन द स्टेट और हिंदी एज ए लैंग्वेज। अब स्टेट के ऊपर ये चीज छोड़ दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि स्टेट चाहे तो एक या एक से ज़्यादा लैंग्वेज चॉइस कर सकता है अपने स्टेट हिसाब से स्टेट के लिए, या हिंदी लैंग्वेज को भी वो क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेजेस टू बी यूज फॉर ऑल और एनी ऑफ द ऑफिशियल पर्पज इन द स्टेट,
ठीक है, तो चाहे तो वो हिंदी यूज कर सकते हैं, या अगर उनको लगता है कि हिंदी के अलावा जैसे लोकल लैंग्वेज है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी चलती है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट मराठी उसको क्या कर सकती है, चूज कर सकती है। ठीक है, तो ये स्टेट के ऊपर क्या कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। प्रोवाइडेड डेट अंटिल द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय लॉ, अगर जब तक कोई स्टेट का लेजिस्लेचर, स्टेट का लॉ स्पेसिफिकली कोई लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं घोषित करता है, तब तक हमारे लिए ऑफिशियल लैंग्वेज वुड बी कंटिन्यू दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब अंग्रेजों की गुलाम हम आज भी है, गवर्नमेंट ही देख लो क्या ही बोल लो मैं उसके लिए। ठीक है, इसकी जगह हिंदी लैंग्वेज होनी चाहिए थी कि भाई अगर तुम लोग स्पेसिफिकली नहीं बोलते हो कौन सी लैंग्वेज है तुम्हारी स्टेट के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज, तो तब तक के लिए इंग्लिश लैंग्वेज तुम्हारी क्या रहेंगी, कंटिन्यू रहेंगी। मेरे हिसाब से हिंदी होना चाहिए था बट नहीं है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज क्या रहेंगी, ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू रहेंगी वो स्टेट के लिए, जब तक वो स्टेट क्या नहीं करता, ऑफिशियल लैंग्वेज अपने लिए घोषित नहीं करता। जनरली ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर और बिटवीन स्टेट एंड द सेंट्रल यूनियन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट महाराष्ट्र यूपी के साथ कम्युनिकेट करना चाहती है उसके लिए, या एक स्टेट यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट करना चाहती है तो वो कौन सी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगी, ये बातें भी दी हुई आर्टिकल 346 में। ठीक है, द ऑफिशियल लैंग्वेज दी कहाँ गया भाई, हाँ, द लैंग्वेज ऑफ फॉर द टाइम बिंग ऑथोराइज फॉर यूज इन द यूनियन फॉर ऑफिशियल पर्पज शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अनादर एंड बिटवीन अ स्टेट एंड यूनियन, प्रोवाइडेड दैट इफ टू आर मोर स्टेट्स एग्री दैट द हिंदी लैंग्वेज शुड बी ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सच स्टेट द लैंग्वेज, मतलब अब यहाँ पर बहुत सिंपल सा भाई, अगर दो स्टेट चाहती है कि भाई हिंदी में कम्युनिकेट करे तो हिंदी में वो लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, उसका रीजन है भाई, मराठी में अगर महाराष्ट्र वाला यूपी वाले से कम्युनिकेट करेगा तो उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या रखा गया, हिंदी को रखा गया है, बस इतना ही याद रखना है। इसमें पढ़ना कितना और याद कितना रखना है बता देता हूँ, मार्क कर लो। स्टेट चाहे तो अपनी लैंग्वेज क्या कर सकती है, चूज़ कर सकती है, और अगर चूज़ नहीं करती है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लैंग्वेज क्या रहेंगी, इंग्लिश रहेंगी। दूसरा आपको याद रखना है कि अगर स्टेट चाहे, दो और दो से ज़्यादा स्टेट चाहे तो आपस में हिंदी एज अ लैंग्वेज को मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ कर सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर स्टेट की लैंग्वेज रहेंगी तो वो स्टेट वालों के साथ कम्युनिकेट हो पाएंगी, विद इन स्टेट कम्युनिकेट हो पाएंगी। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, एक सेकंड, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि दो स्टेट्स को आपस में बात करनी है तो हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। ठीक है, क्या बेनिफिशियल नहीं रहेंगी, स्टेट की लोकल लैंग्वेज बेनिफिशियल नहीं रहेंगी क्योंकि दूसरे वाले स्टेट को समझ में आएगा नहीं। क्लियर, तो कीवर्ड्स आर दिस टू, बस दिस टू आर कीवर्ड्स, दैट्स इट, कि भाई अगर कोई लैंग्वेज नहीं है तो इंग्लिश लैंग्वेज रहेंगी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज, और अगर दो स्टेट चाहे तो कौन सी लैंग्वेज के लिए डील कर सकती है, हिंदी लैंग्वेज के लिए बात कर सकती है कि भाई हम इसको ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन चॉइस कर लेंगे। तो दिस टू इज द कीवर्ड, दैट्स इट। क्लियर, ओके, ये पढ़ने की कोई नीड नहीं है। लैंग्वेज इज इन न्यूज, इंटरनेशनल मर्डर डे लैंग्वेज 2020, थीम फॉर 2020, ठीक है, ये सब पढ़ने की कोई नीड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, काट दो, 20 के बारे में दिया हुआ है भाई, कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल सिंबल्स। सर जुलाई की बुलेटिन कब पढ़ाए, मेरे हिसाब से पढ़ी और नहीं पढ़ी होंगी तो ये भाई बच्चा पॉलिटिकल अफेयर्स में कौन ने पढ़ाया था, ये गवर्नर्स मिनिस्टर्स के नाम पूरे मैंने अपडेट करके नोट्स दिया था तुमको, है ना, एक ही चीज़ को स्पैम कर रहा है अथर्वराज पाटिल, पॉलिटिकल अफेयर देख जाके भाई पूरे पढ़ाए हुए हमने, ये जो है यहाँ पे मिनिस्टर्स के नाम दिख रहे हैं इसको मैंने प्रिंट करा के आपको दिया था, एज इन मेरे नोट्स बना के दिया था। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो उसके अंदर मैंने जो गवर्नर थे उनके नाम और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन ये भी पढ़ाया था। भाई स्पैम मत करो यार, एक मिनट प्लीज़, मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरा ध्यान बढ़ जाता है। सर ई बुलेटिन जुलाई 21 का ही पढ़ना पड़ेगा क्या, बेटा जुलाई का भी पढ़ना पड़ेगा, तनिका अगस्त का भी पढ़ना पड़ेगा, सितंबर का आएगा वो भी पढ़ना पड़ेगा, अक्टूबर आएगा वो भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अक्टूबर का एक पर्टिकुलर जितना मैं बताऊंगा उतना ही, मतलब आपको अगस्त सितंबर और जुलाई तो पढ़ना ही पढ़ना है और जून भी पढ़ना है। ठीक है, हाँ ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि इतना स्पैम, बाप रे, मैं देख के मतलब स्पैम मत करा करो यार, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, दूसरे बेचारे बच्चों के डाउट चले जाते हैं। हाँ रजत राज बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि सर इन आर कंट्री इंग्लिश इज ट्रीटेड एज क्लास नॉट अ लैंग्वेज, यस वो चीज़ बहुत घटिया है, मतलब बहुत लेवल वाली घटिया चीज़ है,
मैं खुद मानता हूँ कि इंग्लिश शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ स्टेटस, इंग्लिश शुड बी ट्रीटेड जस्ट एज अ लैंग्वेज, ठीक है। एंड हमको जनरली हिंदी को ज़्यादा क्या देना चाहिए, प्रेफरेंस देना चाहिए। कभी चाइना जाओ, जापान जाओ, एक्चुअल असलियत मालूम पड़ेगी, वहाँ के लोग इंग्लिश को कितनी इज्जत देते हैं, ठीक है। खैर, तो नेशनल सिंबल्स दिए हुए, सबसे पहले नेशनल फ्लैग जो हमारी कंट्री का नेशनल सिंबल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि नेशनल फ्लैग सेफ्रॉन वाइट एंड ग्रीन, मतलब ये नहीं पढ़ाऊंगा यार, पता है। हाँ बोलो, ये ऐसा पढ़ाऊँ अच्छे से, हमको पता है हमारे झंडे कितने साल से हम रिस्पेक्ट करते हुए आ रहे हैं, हमको पता ही है। नेशनल करेंसी ये इस फॉर्म में रहती है, रुपीस ये शेप में आया है। स्टेट एम्बलम, स्टेट का जो एम्बलम रहता है ये आपने देखे होंगे, सत्यमेव जयते जयते। फिर आपने नेशनल बर्ड पिकॉक, भाई ये स्कूल में नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। ये नेशनल एनिमल टाइगर, नेशनल फ्लावर, मेरे को नहीं मालूम क्या है ये, अरे भाई बोल दो यार, लोटस। ओलंपिक का सिल्वॉल, ये ऑडी का सिंबल नहीं है भाई, ओलंपिक का सिंबल है, ऑडी का सिंबल बोलेंगे तुम लोग, ये तो अलग ही गर्म चलते। क्लियर, ये ओलंपिक के कुछ साइंस है खेलों के, ठीक है। ये कोई खेल, ये खेल, ये खेल, ये खेल, ये खेल, ठीक है। ये उसके क्या दिए गए, साइंस दिए हुए दिए गए हैं अलग अलग खेलों के। सर हमको थोड़ी ना याद रखने हैं, नहीं बिल्कुल याद नहीं रखने हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, बट ओलंपिक के विनर्स के नाम याद रखने हैं, कौन से खेल में वो जीते वो याद रखना है। हाँ, अब ये थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंट एक चीज़ और पढ़ेंगे, दैट इज अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स हम पढ़ेंगे, प्लीज़ ध्यान देंगे, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट प्लीज़ ध्यान देंगे बच्चे लोग। अच्छा यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, तो बाद में बोलेंगे सर आपने भगा दिया, मेरे को मालूम है ना, नहीं भी भगाओ ना तो भी बोलते भगा दिया। हाँ मेरे को लगा निर्मल तू सही बोल रहा है, मेरे को भी ये लगा कि मैं फिफ्थ वालों को पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैंने उसको आगे छोड़ते हुए आगे बढ़ गया सीधा सीधा, ठीक है। एकदम से मेरे को भी फील आया, मैंने इसलिए छोड़ दिया इसको और आगे बढ़ गया, क्योंकि मेरे को मालूम है मैं CSET के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। हाँ आ सकता है सुयोग, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है। हमारी कंट्री के अंदर कितने अवार्ड्स है, जो ऑनर्स या अवार्ड्स है वो दिए जाते हैं, वो आपको अब थोड़ा थोड़ा एक एक करके क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि भारत रत्न एक अवार्ड दिया जाता है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। ये चार्ट की मदद से मैं समझाऊंगा, एक दिया जाता है भारत रत्न, फिर एक दिया जाता है पद्मा अवार्ड्स, ठीक है। यानी दो टाइप के अवार्ड्स है बेसिकली, एक है भारत रत्न जो कि हाइएस्ट ऑनर है हमारी कंट्री के अंदर, मतलब जिसको भारत रत्न मिलता है मतलब हमारी कंट्री के अंदर टॉप मोस्ट अवार्ड अगर कोई है तो दैट इज भारत रत्न इज द टॉप मोस्ट अवार्ड इन आर कंट्री। दूसरे है पद्मा अवार्ड्स, ठीक है। पद्म अवार्ड्स के अंदर भी तीन बाइफरकेशन है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ठीक है। मतलब हमारी कंट्री का सेकेंड हाइएस्ट, हमारी कंट्री का थर्ड हाइएस्ट अवार्ड, हमारी कंट्री का फोर्थ हाइएस्ट अवार्ड। तो ये बेसिकली जो चार अवार्ड दिए हुए, एक्चुअली दो कैटेगरीज में फिर एक को तीन में बांटा गया है, तो हम बेसिकली इसको चार अवार्ड बोल सकते हैं। फर्स्ट इज भारत रत्न, फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट अवार्ड इन आर कंट्री, सेकंड पद्म विभूषण, थर्ड इज पद्म भूषण, एंड थर्ड फिर उसके बाद आता है फोर्थ इज पद्मश्री। ये हमारी कंट्री के अंदर क्या है, अवार्ड्स है जो जनरली हमारी कंट्री के अंदर किन लोगों को दिए जाते हैं। तो भारत रत्न भाई उन लोगों को दिया जाता है जो एकदम एक्सेप्शनल लेवल पे कंट्री के लिए कुछ करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कंट्री का अच्छा खासा क्या होता है, नाम होता है। तो ये ऐसा हर किसी को नहीं मिल जाता भारत रत्न भाई, ये मतलब एकदम टॉप लोगों को अपनी कोई फील्ड में या अपने कोई लेवल पे इनको क्या मिलता है, भारत रत्न मिलता है, ठीक है। दूसरा होता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण मिलता है फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, मतलब तुमने एकदम एक्सेप्शनल लेवल का डिस्टिंग्विश्ड सर्विस क्या करी है, परफॉर्म करी है। अब ये गलत फहमी में मत रहना कि जो भारत रत्न है या ये पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, ये कोई स्पेसिफिक फील्ड वालों को मिलता है, कोई भी फील्ड। आपने अपनी कंट्री के अंदर कोई भी फील्ड के अंदर अगर कोई फील्ड के अंदर कोई भी फील्ड के अंदर एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस परफॉर्म की है, चाहे हो सकता है हेल्थ केयर के अंदर, हो सकता है एजुकेशन के अंदर, कोई भी फील्ड, ठीक है, एनी फील्ड के अंदर अगर आपने ये चीज़ करी है तो आपको भी पद्म विभूषण मिल सकता है, ठीक है। दूसरा पद्म भूषण फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, मतलब यहाँ पे एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस की बात कर रहा है, यहाँ पे ओनली डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर और यहाँ पे ओनली डिस्टिंग्विश्ड सर्विस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर आपने किए तो थर्ड अवार्ड मिलेगा और फिर पद्मश्री। जनरली बहुत लोगों को पद्मश्री मिलता है, कुछ कम लोग होते हैं जिनको पद्म भूषण मिलता है, बहुत कम लोग होते हैं जिनको पद्म विभूषण मिलता है, और बहुत ज़्यादा ही कम लोग होते हैं जिनको भारत रत्न का क्या मिलता है, अवार्ड मिलता है। तो बेसिकली इस तरीके के अवार्ड जो है, क्लियर, इस तरीके के जो अवार्ड्स है, कोई बात नहीं, सिंग विद ऐश पढ़ ले अभी, क्लियर, इस तरीके के अवार्ड्स हमको पेपर में पूछे जा सकते हैं।
अगर आप देखोगे तो पद्मा अवार्ड जो है वेयर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 एंड अनाउंस एवरी ईयर 1954 से स्टार्ट हुए थे ऑन द ओकेशन ऑफ रिपब्लिक डे एक्सेप्ट फॉर ब्रीफ इंटरप्शन ड्यूरिंग 78, 79, 93 और 97। मतलब ये चार साल थे जब ये नहीं दिए गए थे, मतलब दिक्कत हुई थी 78, 79, 93, 97 में, ठीक है। तो वैसे जनरली ये कब दिए जाते हैं पेपर में पूछ सकता है, पद्मा अवार्ड्स जनरली दिए जाते हैं रिपब्लिक डे पे, ठीक है। कब दिए जाते हैं? रिपब्लिक डे। कब आते हैं रिपब्लिक डे? मेरे को ऐसा लग रहा है फिफ्थ क्लास में पढ़ा रहा हूँ, बट फिर भी पूछ लेते कब आता है रिपब्लिक डे, मेरे को नहीं मालूम। दूसरा, अगर भारत रत्न की बात करोगे तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, मैं जो मार्क करवा रहा हूँ लाइन्स बस वही पढ़नी है, ठीक है। भारत रत्न की अगर बात करूँ तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इट इज अवार्डेड फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन एनी फील्ड, इन एनी फील्ड, ये बात मार्क कर लेना, इन एनी फील्ड फॉर ह्यूमन एंडेवर, ठीक है। कोई भी फील्ड में आपने कुछ भी किया हो, हाईएस्ट लेवल का एक्सेप्शनल लेवल की सर्विस, हाईएस्ट ऑर्डर की अगर आपने परफॉर्म की रही है तो आपको भारत रत्न दिया जाएगा, क्लियर। अब नीचे में जो दिया है ना वो सिर्फ ये दिया है कि 2019 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया था, कितने लोगों को ये दिया गया था पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री दिया गया था, वो याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितने लोगों को दिया गया था, और उसमें भी वो 19 का दिया हुआ है तो और याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उनके नाम दिए हुए तो सर उनकी जरूरत नहीं है याद रखने की, क्लियर। तो यहाँ पे भी अगर आप पीछे देखोगे तो भारत रत्न 48 लोगों को, पद्म विभूषण 314 को, फिर पद्म भूषण इतने लोगों को, और पद्मश्री तो मतलब लॉट में बांटते हैं, और इन लोगों को बहुत फैसिलिटीज भी मिलती है, रेलवे में छूट होती है, एयरलाइंस में फ्री होता है, बहुत सारी अलग 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 फैसिलिटीज़ मिलती है अलग अलग अवार्ड्स के साथ। ऐसे ही नहीं, अवार्ड का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एक अवार्ड दे दिए, लेकिन अवार्ड्स के साथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा अलग अलग फैसिलिटीज़ भी इन लोगों को क्या होती है, मिलती है, ठीक है। ऐसे ही नहीं है ये तुम लोग बता भी रहे कब आता है रिपब्लिक डे, तुम लोग बता भी रहे भाई, आज मौज करा रहे हो तुम लोग, आज एकदम मौज कर दी, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखना है जो मैंने यहाँ पे मार्क करा है, की पॉइंट्स, दैट्स इट, बस ये चार्ट अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। और ये ऊपर की एक लाइन जो मैंने लिखा के दिया वही, बस ये चार्ट और ये ऊपर की लाइन जो मैंने लिखा मार्क करा के दिया, दैट्स इट। हाँ, मुहिम चली थी बीच में टू गिव रतन टाटा भारत रत्न, यस, डिजर्व करते भाई, वो डिजर्व भी करते हैं, यस, डिजर्व करते हैं। चलो फिर एक आता है सिनेमा का अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड। आप लोगों को मैं बोलूंगा कि एक बार आप लोग खुद इस चीज को नोटिस करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस इतना सुन लो कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो हमारे फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है, मतलब ये फिल्म इंडस्ट्री के अवार्ड में सबसे बड़ा अवार्ड गिना जाता है, दैट इज कॉल्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि किस किस को मिला हुआ है ये अवार्ड, तो 2019 में तो बॉलीवुड में, सॉरी, दादा गिवन टू अ फिल्म पर्सनालिटी फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ डेवलपमेंट इन इंडियन सिनेमा, और साथ में 10 लाख रुपए भी दिए जाते हैं उनको कैश प्राइज के तौर पे। बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन जी को ये मिला था हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा 2019 में, मतलब 2019 में अमिताभ जी को मिला था ये अवार्ड। ही वॉज कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस फिल्म ऑनर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इंडियन सिनेमा, वो सब नाम दिए हुए हैं, नाम नहीं भी याद रहे तो चलेगा, दैट्स इट। रिया बहुत कम चांस है, मतलब ना के बराबर चांस है, 0% है रिया, ओलंपिक के साइन देखे पूछना। मैंने क्या बोला भाई, सीएस को भी मिलता, कोई भी फील्ड में तुमने अगर एक्सेप्शनल हाईएस्ट ऑर्डर का काम अगर किया है तो तुमको मिल सकता है, मतलब फिर तुम सीएस हो सीए हो वो मैटर ही नहीं करता, फील्ड मैटर ही नहीं करती, एनी फील्ड, ठीक है, इन एनी फील्ड आपको ये अवार्ड्स मिल सकते हैं, लेकिन दादा साहब फाल्के नहीं, वो तो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में मिलता है, वो बाकी जो मैं बता रहा था आपको भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, वो उन अवार्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखो सुयोग एकदम गरम दे रहा, 10 लाख में तो एक फ्लैट भी नहीं आता सर, अबे फिल्म स्टार वालों के लिए एक फ्लैट लेना कोई छोटी बात है क्या, उनका तो कुछ भी मतलब। खैर अब ये कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और अवार्ड्स थे, ये हम लोग बुलेटिन्स में अगर अभी रिसेंट वाले कुछ आएंगे अवार्ड्स तो हम वहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे एक किंग हामिद ऑर्डर ऑफ रेजिडेंस एंड ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड हमारे मोदी साहब को मिला था, अगर आप इतना भी याद रखें तो बहुत है, कि किंग हामिद ऑर्डर ऑफ द रेजिडेंस एंड ब्रेंस किंग्स हामिद बिन ईसा बिन सलमान, क्या नाम रखते मेरे को पढ़ते नहीं जमता, अल खलीफा इन रिकॉग्निशन ऑफ एस्पेक्ट्स एंड स्ट्रेंथ बायलेटरल रिलेशन विद द की गल्फ नेशन ड्यूरिंग द विजिट ऑफ बहरेन इन अगस्त 19। नरेंद्र मोदी फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट बहरेन। मैं थोड़ा सा इन वर्ड में कमजोर हूँ थोड़ा सा,
तो मेरे को अनपढ़ हो सर आप बोल देना, क्योंकि जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको तो तुम क्या बोलते हो अनपढ़। तो मैंने गलत वर्ड पढ़ लिया आज, मैंने पढ़ लिया गलत, देख लेना। अभी यार वो मेरे को भी ढूंढना पड़ेगा, आदित्य दलाल मेरे को भी ढूंढना पड़ेगा भाई। तुम एकदम ऐसा मत समझो कि मैं गूगल हूँ, डालो बोले गूगल पे मिल जाएगा आंसर। थोड़ा सा मेरे को भी मालूम, मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि आज तक किसी सीएस को मिला है क्या। ठीक है, हो सकता है तुमको ही मिल जाए आगे चल के। तो ये याद नहीं रखने अवार्ड्स अवार्ड्स, ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि पुराने हो चुके। हाँ अवार्ड्स अगर रिसेंट वाले में दिए जाएंगे ई बुलेटिन पे, तो हम उसको पक्के से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। कुछ लोग होंगे ज्ञानी जो तुमको बोलेंगे याद रखो, मैंने बोला ना पेपर में 0% चांस है आने का, ठीक है, बट 1.1% सेफर साइड लेके चलता हूँ। इंस्टीट्यूट का दिमाग खराब हो गया उसने उठा के दे दिया क्वेश्चन, तो भाई खुशी से छोड़ देना, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इतने अवार्ड्स ये भी याद रखोगे, करंट वाले भी जो अवार्ड्स है वो मिल रहे हैं वो भी याद रखोगे, कितना याद रखोगे भाई तुम, नॉट पॉसिबल। नमस्ते ट्रंप हुआ था, हाउडी मोदी, अब ट्रंप ही नहीं रहे तो काहे का नमस्ते ट्रंप, मोदी साहब तो है पर ठीक है, हाउडी मोदी रखाया गया था, मोदी ट्रंप साहब ने रखवाया था, फिर उसकी वजह से ट्रंप साहब को इंडिया बुला के नमस्ते ट्रंप, हमारे किसने रखवाया, मोदी साहब ने रखवाया, तो ट्रंप साहब ने ऑर्गेनाइज करा था हाउडी मोदी अमेरिका में, और इंडिया में नमस्ते ट्रंप इवेंट ऑर्गेनाइज करा गया। सर पढ़ने की ज़रूरत है या पुराने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, काटो काटो। बड़ी खुशी हो रही होंगे ना तुम आज, तुमको आज कोई मतलब नहीं है, काटते चलो काटते चलो, कोई मतलब नहीं है इनका, ये 2-3 पेजेस का कोई मतलब नहीं है, काटते चलो, इसको भी इसको भी इसको भी। और ये कुछ आर्ट्स एंड ये दिए हुए हैं, इसको सेल्फ रीड कर लेना, नॉट रिलीवेंट नॉट रिलीवेंट, ठीक है। थोड़ा आइकॉनिक साइट्स हमारे कहाँ पे है क्या है वो पढ़ लेना, पढ़ाऊंगा तो सो जाऊंगे। सेल्फ रीड नॉट रिलीवेंट, ठीक है। जैसे गुरु नानक देव साहब की 550th एनिवर्सरी थी तो वो सेलिब्रेट करी गई, 5 आर्कियोलॉजिकल लोकेशन टू बी डेवलप्ड है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये दो चार, एक पेज अगर आपको पढ़ना है तो आप एक पेज पढ़ के रख सकते हैं, बट कोई नीड मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि कैसा है ना बहुत पुरानी चीज़ें हो चुकी है तो चांसेस नहीं है पूछने के, करंट वाली चीज़ें क्योंकि ऑलरेडी और भी आएंगी, क्योंकि अभी हमने एक बुक पढ़े किसकी, अगस्त की, जुलाई जुलाई की, अभी हमको अगस्त पढ़ना है, फिर अगस्त के बाद सेप्टेम्बर में भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली है। सेप्टेम्बर के अंदर बेसिकली जो अगस्त की बुलेटिन आएंगी, जो आ चुकी, सॉरी माई मिस्टेक, सेप्टेम्बर की जो बुलेटिन आएंगी नेक्स्ट मंथ, ठीक है, उसके अंदर भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, तो ये सारी चीज़ें रिलिवेंट हमारे एग्जाम्स के लिए है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि ये हमको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करंट में। ये मॉड्यूल में पुराने 2-2.5 साल पहले मॉड्यूल बना दिए छोड़ दिए, ठीक है, और 2-2.5 साल पहले की न्यूज़ें से ये देके रखे, ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता इसका कोई सेंस बनता है, ठीक है। काटा लग रहा है मॉड्यूल को आज तो, मजे ही आ गया, बच्चा बोलता है। अब बेटा एक आंधी क्वेश्चन गलती में, गलती इसमें से आ गया ना तो बच्चा मेरी जान ही खा जाएगा जो होगा एक आंधी। देख भाई एक क्वेश्चन का रिस्क लेके चल, एक क्वेश्चन बस, ठीक है, एक क्वेश्चन, क्योंकि इस डर गया मैं, तुम इतने खुश हो रहे हो इसीलिए, अदरवाइज तो नहीं आता, एक क्वेश्चन भी नहीं आता। हाँ, नोटिफिकेशन मिलेगा, मैं पूरी बुलेटिन पढ़ा के दूंगा तुमको एग्जाम्स के पहले भी, अभी जैसे पढ़ा रहा हूँ एक, ठीक है, आज एक बुलेटिन पढ़ा के दे रहा हूँ अगस्त वाली भी, ठीक है, क्लास खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद ये टेंशन मत लेना, एक चीज़ अभी क्लियर कर देता हूँ मैं, क्लास खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद ये टेंशन मत लेना कि सर करंट अफेयर में कुछ नया अपडेट आता है, कुछ नई बुलेटिन आती है, कुछ आता है, खत्म हो गया चैप्टर हमारा, ठीक है, कोई भी नया बुलेटिन नया अपडेट आती है तो सर हमको कैसे पता चलेगा, तुम उसको छोड़ देना मेरे लिए, मैं तुमको 101% पढ़ा के दूंगा एग्जाम्स के पहले, ठीक है। मैराथॉन्स भी पढ़ाऊंगा, ये कुछ अगर अपडेट्स और आते हैं वो भी पढ़ाऊंगा, कुछ और नई चीज़ आ जाती है बीच में तो वो भी पढ़ा के दूंगा, तो वो सब मेरे ऊपर छोड़ देना, पर तुम्हारा काम क्या रहेगा, जितना मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ते हुए रहना, नहीं तो बाद में ऐसा ना हो अगले महीने आके सर सब भूल गए, सर कुछ भी याद नहीं आ रहा, सर सर डर लग रहा, सर करंट अफेयर में, सर ऐसा मत करना। मैं रिविजन भी ले लूँगा अभी एक बार मास्टर क्लास में, ठीक है, लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट है कि भाई एकदम जितना पढ़ाया उसको पढ़ते रहना, नहीं तो ना पूरा एकदम ब्लंडर हो जाएगा माइंड में, कुछ याद नहीं आएगा, फिर दिक्कत होगी। मैं मैराथन फिर भी कराऊंगा तुम्हारी और क्लैरिटी के लिए, बुलेटिन भी कराऊंगा, क्विजेस भी कराऊंगा, सब चीज़ें करेंगे, बट ऐसा मत कर देना कि इसको छोड़ देना, ठीक है। क्या हो रहा भाई, क्या पूछ रहे हो, अब चैट देख लेता हूँ मैं, तुम ओके हो, मैं बुलेटिन चालू कर दूँ, डन यहाँ तक पूरा,
निखिल क्या बोल रहा है भाई? क्या पता क्या है। चलो ये ओके है तो मेरे को बता दो। ओ खत्म नहीं, अभी पढ़ना है बुलेटिन, टेंशन मत लो। ये तो क्या 2 मिनट का बातचीत वाला ब्रेक ले रहा हूँ तुम्हारे लिए मैं। कोई बात नहीं तनिका, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना बच्चा। आप बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा खुशी। अभी GTG है तो मेरे को बता दो, अभी मैं थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्योंकि लेने जा रहा हूँ, ठीक है? और अभी फिर मैं चकलस बिल्कुल, मतलब बिल्कुल नहीं करूँगा। जुलाई हमारी हो चुकी है बुलेटिन, अगस्त की बुलेटिन मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ, ठीक है? अभी हम करंट अफेयर्स में अगस्त की बुलेटिन पढ़ने वाले हैं। कोई बात नहीं प्रिया, उसको करेक्ट कर लो। प्रिया शर्मा कहाँ से आएगा भाई, ट्रम्प ही नहीं रहे तो नमस्ते ट्रम्प का क्या सेंस बनता है। निशा कुमावत लगता है आपको करंट अफेयर पढ़ रहे बच्चा हम। फर्स्ट सीएस नहीं पूछा था उसने मेरे से निकिता, वो पूछ रहा था पहले सीएस कौन है इनको अवार्ड मिला, बोले ऐसा कुछ वो पूछ रहा था मेरे को। बच्ची फर्स्ट सीएस का नाम बता रही है। चलो कौन से कंपनी काम करते हो? मैं कोई कंपनी में नहीं काम करता भाई, मेरी खुद की फर्म है, अपना खुद का काम है भाई। चलो खैर आ जाओ करंट अफेयर्स के अंदर, ठीक है? करंट अफेयर्स की ई बुलेटिन के अंदर आई रिक्वेस्ट, थोड़ी देर की लगेंगे, थोड़ी देर लगेंगी, जितनी देर लगे प्लीज़ थोड़ा सा इसको शांतिपूर्वक पढ़ाने देंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिसेंट अपडेट्स है, ठीक है? इसमें हमको 3 चीज़ें आज पढ़नी है। पहला हमको पढ़ना है लॉन्च ऑफ डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी। एक ई रूपी करके एक नया पेमेंट सिस्टम आया है, न्यू पेमेंट सिस्टम ई रूपी, ठीक है? वो हमको सबसे पहले पढ़ना है। दूसरा हमको पढ़ना है इंडिया टोक्यो ओलंपिक 2020 मेडल विनर्स के बारे में, कि जो इंडिया से बच्चे गए थे, ठीक है, ओलंपिक्स खेलने, उनमें से कौन कौन से मेडल्स लेके आए हैं, कौन कौन से इवेंट्स में मेडल लेके आए हैं, तो उनकी अपने को लिस्ट दी हुई है। कुछ 7 लोगों के नाम है, 7 मेडल आए थे, ठीक है? तो यहाँ पे वो डिटेल दी हुई है। जो लोग यानी बोल रहे थे कि पीवी सिंधु को सिल्वर मिला था, यहाँ देख लो क्या बोल रहे हो, मेरे को मत बोलना बाद में। तीसरा हमको पढ़ना है गवर्नमेंट ने कुछ एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें बोली है, एजुकेशन और स्किल से रिलेटेड, ठीक है? इसके अंदर कुछ नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट ने कंटेंट दिया हुआ है, कुछ याद रखने वाले खास चीज़ नहीं है इसके अंदर, लेकिन यस एजुकेशन और स्किल से रिलेटेड फ्यूचर वर्कफोर्स रेडी करने के लिए कुछ बातें यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने की है, ठीक है? उनके बारे में हमको थोड़ा सा पढ़ना है। बस ये 3 चीज़ें हमारी पढ़नी है जो हमारे कहाँ पे दी हुई है। अगर आपको देखना होगा तो ये अगस्त की बुलेटिन मैंने डाउनलोड किया आपकी CSET की, ठीक है? तो यहाँ पे ये करंट अफेयर्स का दिया है, पेज नंबर 10 अगर आप देखोगे तो पेज नंबर 10 पे ये दिया हुआ है डिटेलिंग पूरी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें मैं अगर जाता हूँ पेज नंबर 10 पे, तो मेरे को पेज नंबर 10 पे मिल जाता है करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स के बारे में ये कुछ 1.5 पेज दिया हुआ है, इसके बाद में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है? तो ये 1.5 पेज करंट अफेयर्स के बारे में दिया हुआ है। क्लियर? अल्ट्रा मेमेज तो भाई अलग ही लेवल का। सर आपका टर्नओवर कितना है? मैं क्यों बताऊँ तेरे को, रिश्तेदार लगता तू मेरा कोई? खैर मजाक कर रहा हूँ। चलो खैर, सो लॉन्च ऑफ डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी। अब ये क्या लाया गया, जैसे आप लोगों को बताऊँगा UPI आया था, ठीक है? UPI आया था, पता है UPI? यस और नो बोलो, पता है? पेमेंट करते हो आप लोग, स्कैन करते हो कोड को, स्कैन करके आप लोग वहां पे सामने में जाके क्या करते हो, पेमेंट कर देते हो। तो वो क्या था हमारा, UPI आया था। अब आप पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, भीम हो गया, तुम्हारा गूगल पे हो गया, तो इनके थ्रू UPI के थ्रू आप क्या करते हो, पेमेंट कर देते हो, जो डायरेक्टली आपके क्या होता है बैंक से लिंक होता है। आप कहीं पे भी जाते हो, स्कैन करते हो कोड, QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स, QR कोड मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है? तो QR कोड जो होता है उसको स्कैन करते हो, स्कैन करके डायरेक्टली अपने पासवर्ड डालते हुए डायरेक्टली आप वहां पे क्या कर देते हो, पेमेंट कर देते हो थ्रू UPI, मतलब आपके बैंक से पैसा कट जाता है, सामने वाले को मिल जाता है। 2016 की अगर मैं बात करूँ ना, तो UPI जो था वो अप्रैल 2016 में आया था, मेरे को डेट याद नहीं आ रही, अप्रैल 2016 में क्या आया था ये UPI सिस्टम, मोदी जी ने क्या करी थी, हमारे गवर्नमेंट ने क्या करी थी, लॉन्च करी थी, ठीक है? और अगर मैं बताऊँ ई रूपी की, तो ये आई थिंक आया है अगस्त 2021 में, क्या ई रूपी, स्मॉल में ई है, ई रूपी। अब सब ये ई रूपी क्या है, ये स्पेसिफिक एक स्पेसिफिकली ये एक स्पेसिफिक मोड ऑफ पेमेंट है। ई रूपी की अगर मैं मतलब बताऊँ ना आपको, तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, आसानी से समझाता हूँ मैं बहुत आसान लैंग्वेज में। देखो कैसा होता है ना, गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट को टेंशन रहती है कि भाई जब भी मैं किसी को पैसा दूंगा,
पैसा दूंगी, ठीक है, फॉर दी पर्पज, एनी फॉर एनी पर्पज, मतलब किसान को अगर वो पैसा दे रही है धान खरीदने के लिए, है ना, या सीड्स खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, तो किसान ने वो पैसे से बीज ही लेना चाहिए, या फर्टिलाइजर्स लेने के लिए दे रही है तो फर्टिलाइजर्स ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने किसान को पैसा दिया फर्टिलाइजर्स लेने के लिए और किसान उस पैसे से कुछ और काम कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट को टेंशन रहती है कि भाई मैं अगर कोई बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसा दे रही हूँ, बुक्स खरीदने के लिए पैसा दे रही हूँ कि वो पढ़े और हमारे देश का नाम आगे चल कर रोशन करे, तो हमने उनको बुक्स खरीदने के लिए पैसा दिए, वो भाई PlayStation 5 खरीद के लेके आ गया, सर इतना पैसा गवर्नमेंट देती है, बट स्टिल सर वो PlayStation 5 लेके आ गया। तो पॉइंट ये आ जाता है कि गवर्नमेंट को जब भी लोगों को पैसा देना रहता है, लोगों की पैसा दे के मदद करनी रहती है, तो गवर्नमेंट को उसमें डर रहता है। देखो यार, गवर्नमेंट के पास दो ही तरीके हैं हम लोगों को पैसा देने के लिए, एज इन पब्लिक को, जरूरतमंदों को पैसा देने के लिए गवर्नमेंट के पास दो ही तरीके हैं। या तो वो पर्टिकुलर सामान उनको अवेलेबल करा दे, बुक्स बोले तो बुक्स उनको अवेलेबल करा दे, खाना बोले तो खाना अवेलेबल करा दे, या तो उनको पैसा दे दे और बोले तुम जाके खरीद लो। बट इन दोनों सिस्टम्स में प्रॉब्लम है, मैंने अगर उनको डायरेक्ट खाना पहुंचाएंगे या डायरेक्ट उनको अगर बुक्स पहुंचाएंगे या कोई भी चीज़ डायरेक्टली पहुंचाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि बीच वाले जो लोग रहते हैं ना, बिचौलिए जो रहते हैं बीच वाले, ये पूरा खा जाएंगे। मतलब वहां पे बोलेंगे कि भाई ये बुक दो, तो वो गलती कोई बुक जाके दे देंगे, मैगजीन टाइम की पतली पुतली, बोला था कुछ और बुक देने के लिए, बुक कोई और बांट रहे लोगों में, अच्छा खाना खिलाने के लिए बोला था तो एकदम भैया ढंग का खाना लोगों में बांट रहे, गेहूं चावल भैया मतलब एकदम इंपीरियर गुड्स वाला, जो कि बहुत गलत बात है। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग गवर्नमेंट ने ये प्रॉब्लम को समझा, गवर्नमेंट ने बोला यार हम जो पैसा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचता ही नहीं है, ना पैसा पहुंचता है, अगर पैसा हमने डायरेक्टली दिया तो बीच में कई लोग खा जाते हैं, अगर समोस सामने वालों के अकाउंट में भी पैसा डाले तो सामने वाला उसको जो पर्पज़ के लिए पैसा दिया जा रहा है, मतलब आम जनता जिनको जो पर्पज़ के लिए पैसा दिया जा रहा है डायरेक्ट उनके बैंक में, वो लोग वो पर्पज़ को छोड़ के भलती पर्पज़ के लिए वो पैसा यूज़ करते हैं। मतलब कई कई लोग तो वो पैसे से दारू वगैरह ये जो चीज़ें वो सब कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई अब हमको ना कोई ऐसा सिस्टम ढूंढ के निकालना पड़ेगा जिस सिस्टम में ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मतलब डायरेक्टली उसको जो चीज़ के लिए पैसा हम देना चाह रहे हैं उसको वो चीज़ भी मिल जाए, वही अच्छी चीज़ मिल जाए, ठीक है, और हमको उसको पैसा भी ना देना पड़े और वो चीज़ भी ना देना पड़े। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एक ई रूपी करके सिस्टम लॉन्च करा, QR कोड और SMS बेस्ड ये सिस्टम है, बेसिकली एक वाउचर है, ई वाउचर, SMS के थ्रू भी चल सकता है, अगर स्मार्टफोन है तो QR कोड के थ्रू भी चल सकता है। तो अगर आपके पास QR कोड है तो QR कोड के थ्रू भी आप कर सकते हो, अगर अगर आपके पास QR कोड नहीं हो, पुराना गावरानी मोबाइल है एकदम, ठीक है, वो बाबा आदम के ज़माने वाला बिना कैमरे वाला, यहाँ पे QR कोड वगैरह कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो भी क्या कर सकते हैं आप SMS के थ्रू भी उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा चार्ट वार्ट इसमें मेरे को मॉड्यूल में इन्हें दिए नहीं है, पर थोड़ा सा मेरे को समझाना पड़ेगा, मेरी ड्राइंग पे हंसना मत, ठीक है। सपोज़ ये हमारा क्या हो गया QR, अरे यार ये हमारा हो गया QR कोड, कुछ तो भी इस तरीके का QR कोड रहता है, कलर चेंज कर लेता हूँ, समझ जाओ ये QR कोड है, मान लो मेरे पास फोटो वोटो नहीं है, मेरे को डाउनलोड करना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, मगजमारी करना पड़ेगा, ठीक है, तो मान लो ये क्या है, ये क्या है QR कोड, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट क्या करेंगी, गवर्नमेंट को अगर तुम लोगों को पैसा देना है, गवर्नमेंट को अगर तुम लोगों को पैसा है, तुमको कोई फैसिलिटी देना है, कोई स्पेसिफिक फैसिलिटी तुम लोगों को देना है, सपोज किसानों को गवर्नमेंट को देना है फर्टिलाइजर्स देना है, कोई भी एग्जांपल ले सकते, किसानों को गवर्नमेंट को सीड्स या फर्टिलाइजर्स देना है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेंगी, ये QR कोड बनाएंगी अपने पास, ठीक है, और ये QR कोड किसको दे देंगी, ये QR कोड दे देंगी किसान को, और ये जो QR कोड रहेगा, ये QR कोड स्पेसिफिक QR कोड रहेगा, स्पेसिफिक पर्पस वाला QR कोड रहेगा। मतलब क्या, गवर्नमेंट बोलेंगी किसान को, तेरे को हमने ये QR कोड दिए, और ये QR कोड लेके ना तो सीधा सीधा कोई भी पूरे कंट्री में कहीं पे भी कोई भी फर्टिलाइजर्स की दुकान में चले जा, और वहां जाके ये QR कोड दिखा के तो उससे क्या ले ले, फर्टिलाइजर्स ले ले, मतलब ये जाएगा वो दुकान में, कोई भी फर्टिलाइजर की दुकान में, ठीक है, सीड्स की दुकान में, ठीक है, वहां जाएगा, वहां जाके ये किसान बोलेगा भाई ये देखो मोदी जी ने कुछ भेजे, बोले कहाँ भेजे मालूम नहीं, हमका हमका सीड दे दो भाई, तो वो ऐसा जाएगा और ऐसा जाके क्या करेगा, उनके पास ये दिखाएगा, और वो सामने वाला जो दुकानदार है भाई वो क्या करेगा, वो इस कोड को स्कैन करेगा, और स्कैन करने से ऑटोमेटिकली वो जो पर्सन है, सामने वाला दुकानदार है, उसको उसके पैसे मिल जाएंगे,
डायरेक्टली, और वो किसान को क्या मिल जाएगा, ये सामान मिल जाएगा। वापस से बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट क्या करेंगी, अगर गवर्नमेंट को कोई भी चीज़ किसी किसान को, किसी पब्लिक को, किसी को भी देनी है, किसान को, या किसान लिखूंगा तो बच्चे एकदम स्पेसिफिक हो जाएंगे, सर सिर्फ किसान को ही नहीं भाई, किसान के अलावा कोई पब्लिक को भी देनी है, किसी को भी देना है, तो गवर्नमेंट क्या करेंगे, जिस भी पर्पस के लिए उसको पैसा देना है आम जनता को, ठीक है, तो उस पर्पस के लिए उसका एक क्यूआर कोड बना देंगी, और वो क्यूआर कोड उस पब्लिक, उन पब्लिक्स को या किसानों को दे देंगी, और उनको बोलेंगी भाई तुमको हमने बुक्स के लिए पैसा दिया है, तुम ये क्यूआर कोड लेके पूरे इंडिया में कोई भी बुक की दुकान में जाओ, तुम्हारे को ये क्यूआर कोड वहां पे स्कैन करवा के बुक्स मिल जाएंगी। लेकिन अगर तुम ये क्यूआर कोड बुक्स की दुकान की जगह कोई और दुकान में लेके जाते हो, मतलब भाई वो बुक्स छोड़ के प्ले स्टेशन खरीद लेता है जाके, और बुक की दुकान में ना जाते हुए कोई प्ले स्टेशन, सोनी के प्ले स्टेशन में चले जाओगे, दुकान में चले गया और वहां जाके बोल रहा है भाई इसको स्कैन करो मेरे को प्ले स्टेशन दे दे, तो भाई ये क्यूआर कोड वो प्ले स्टेशन वाली दुकान में स्कैन नहीं होने वाला। ये सिस्टम बहुत जोरदार है, मतलब ये क्यूआर कोड सिर्फ और सिर्फ स्कैन होगा कहां पे ही, भाई जो पर्पस के लिए इसको दिया गया है उसकी पूरी इंडिया में तुम जो दुकान में चले जाओ वो दुकान में ये स्कैन हो जाएगा। लेकिन अगर तुम वो आइटम के अलावा कोई और आइटम वाली दुकान में जाते हो और वहां जाके ये क्यूआर कोड दिखाते हो, तो फिर उनकी दुकान में ये क्यूआर कोड स्कैन होने वाला ही नहीं है, मतलब अब तुम्हारे को वो दूसरी दुकान में जाके कोई सामान मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि क्यूआर कोड ही रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स, मतलब क्यूआर कोड ही जो है क्विक रिस्पॉन्स कोड, मतलब क्यूआर कोड ही जो है वो क्या नहीं हो रहा है, स्कैन नहीं हो रहा है जब, तो फिर कोई बात ही नहीं होती है, तो वो कैसे तुमको सामान देगा। अब तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, मैं चैट देख ही नहीं रहा हूँ भैया, तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, सर दुकानदार को कैसे पता चलेगा, यानी वो क्यूआर कोड के अंदर ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से दुकानदार स्पेसिफिक हो रहे हैं या आइटम स्पेसिफिक हो रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी ये क्यूआर कोड जनरेट करती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट की एक पेमेंट कॉरपोरेशन है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI, ठीक है, उनको ये क्यूआर कोड दे देती है और उनको बोल देती है कि भाई ये क्यूआर कोड वो क्या करती है, हर, जैसे अगर मैंने सीट्स के लिए क्यूआर कोड दिया है तो पूरे कंट्री की जितनी भी सीट्स की दुकानें हैं, ठीक है, उनके बैंक के सिस्टम में ये चीज़ ऐड ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, क्योंकि बैंक में जब आप अकाउंट खोलते हैं तो मालूम रहता है दुकान वालों को कि वो कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर चीज़ की दुकान वालों के लिए क्यूआर कोड उनके UPI में क्या हो जाएगा, एक प्रकार से उनके बैंक के थ्रू लिंक हो जाएगा स्पेसिफिकली जिसके लिए दिया गया है। आर गेटिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए उनकी दुकान में एक्सेप्ट होगा, दूसरे की दुकान में एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इससे क्या हो गया, इससे वो प्रॉब्लम सॉल्व ही होगी, पैसा भी देने की जरूरत नहीं, अब किसान या जो लोग है उसको उससे वो स्पेसिफिक चीज़ ही खरीदे, कोई भलती चीज़ें ना खरीदे, ठीक है, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्लियर? हाँ, बहुत जोरदार सिस्टम निकाला है, बहुत जोरदार, बट मैंने बहुत जोरदार तरीके से समझाया क्या, क्योंकि मैं फ्रेंकली बोलूँ तो ये सिस्टम मैं आज पहली बार तुमको समझा रहा हूँ। अरे अभी तो आया भाई अगस्त में, मैंने भी पढ़ा और तुमको समझाया, तो मैं भी आइए फर्स्ट क्लास मेरी हो रही है जहाँ पे मैं ये सिस्टम समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मेरे को बता दो तुम लोगों को समझाया नहीं समझा, ठीक है, तो मैंने भी पहली बार ये समझे चीज़ समझाई है आज। हाँ देखो, अब इसमें भी लोग एकदम टैलेंटेड रहते हैं सर, कोई सीट्स प्ले स्टेशन और बुक्स एक ही दुकान में बेचेगा तो फिर वहाँ तो एक्सेप्ट हो जाएगा, हाँ तो फिर हो जाएगा, फिर तुमने इसमें भी फ्लॉ निकाल लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली, यहाँ कि एक ही दुकान में सीट्स भी मिलेंगे, प्ले स्टेशन भी मिलेंगे, बुक्स भी मिलेंगी, कैसी बात कर रहे हो, ऐसा होता नहीं है, लेकिन आगे चल के लोग यही कान पीटने वाले हैं, फिर गवर्नमेंट और कुछ लेके आएंगी, क्या कर लेंगी बेचारी गवर्नमेंट, जानती नहीं है, इंडिया वाले है ये, क्या पूछना चाह रही हो तनिका, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या पूछ रहे हो, ये करंट अफेयर्स कब तक मिलेगा, मतलब क्या करंट अफेयर कब तक मिलेगा, आप पूरी वीडियोस देखो, आई रिक्वेस्ट, जबरदस्त समझाया आपने, ओके क्लियर हो गया बोलते, चलो ओके गजब समझा दिया, ओके चलो ओके क्लियर हो गया बोलते, गजब समझा दिया तो खत्म हो गई बात, फिर आगे बढ़ते हैं। सर ये पैराग्राफ पढ़ाया नहीं आपने, अरे नालायक, जो मैंने इतनी देर बकर बकर किया कि नरेंद्र मोदी साहब ने ई रूपी लॉन्च किया अगस्त 2 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ये ई रूपी एक कैशलेस कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है, क्यूआर कोड और SMS के थ्रू वर्क करता है, ठीक है, मोबाइल बेनिफिशरीज के थ्रू, वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने बनाया है टू रिडीम दी विदाउट कार्ड, कोई कार्ड नहीं लगेगा आपको इसमें, कोई कार्ड, कोई बैंक, कोई पेमेंट ऐप, कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ ये क्यूआर कोड लेके जाओ और क्यूआर कोड जाके स्कैन करा लो, क्यूआर कोड लेके जाओ स्कैन करा लो, खत्म, टेंशन ही नहीं जीवन में, ठीक है। हाँ, और किसके साथ बनाया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी,
ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इनके थ्रू बनाया गया। ओके, सो टोक्यो ओलंपिक्स में सबसे बड़ी जो चमकता सितारा है हमारी कंट्री का आज की तारीख में, मैं बताऊँ इनको भी लोगों ने नहीं छोड़े, बेचारा इतना शरीफ बंदा मैंने अपनी लाइफ में देखा, और ऊपर से फौजी है ना, मिलिट्री वाला बंदा है, इतना बढ़िया बंदा मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, इतना शरीफ, इतना डेडिकेटेड, ठीक है, मैंने बंदा अपनी लाइफ में नहीं देखा, इतना बढ़िया बंदा जिसने गोल्ड हमारी कंट्री के लिए लेके आया। मैं देख रहा था बीच में लोगों ने कुछ पॉइंट था, पता नहीं क्या पॉइंट था, कुछ लोगों ने इनको भी बुरा बुरा बोल दिया। मैं बोला भाई हद होगी भाई तुम्हारी, वो बेचारा आके बोल रहा भाई ऐसा वैसा मत बोलो, ठीक है मैंने ऐसा बोला था, ऐसा ऐसा मत बोलो, भाई इंसान है यार वो, इतना बढ़िया काम किया हमारी कंट्री के लिए, मेंस जेवलिन थ्रो में हमारी कंट्री के लिए वो गोल्ड मेडल लेके आया है, इनका नाम तो पेपर में पूछना ही चाहिए आप लोगों से। सो मेंस जेवलिन थ्रो, समझ गया ना, मैं पेंसिल नहीं फेंक सकता, बहुत महंगी है, ठीक है, तो उसके लिए मीरा भाई चानू सिल्वर मेडल लेके आई है, ये वुमेन्स 49 kg वेट लिफ्टिंग में, भाई जोरदार वेट लिफ्टिंग हुई थी, मैंने देखा था जोरदार, उसमें सिल्वर मेडल इनको मिला है। सर पूरे नाम याद रखना है क्या? पूरे नाम याद रखना है पूरे। रवि कुमार धैया सिल्वर मेडल अगेन लेके आए भाई साहब, ये भी कायमे मेंस 57 kg रेस्लिंग में, ठीक है, ऊपर वाले वो वेट लिफ्टिंग है भाई उठाना, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में, नीचे वाले जो रवि कुमार धैया साहब है वो रेस्लिंग में लेके आए सिल्वर मेडल, बहुत बड़ी बात है, अलग अलग चीजें दोनों, ठीक है। लवलीना, मैं थोड़ा नाम इनका पढ़ने में गड़बड़ करूंगा, लवलीना बोरगोहेन ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है ये, यहां पे भी लड़कियों का बोलबाला था, वुमन्स वेट वुमन्स वेल्टर वेट बॉक्सिंग, मतलब वुमेन्स बॉक्सिंग के अंदर इनने भी लेके आए हैं, मतलब हमारे कंट्री की लड़कियां ओलंपिक्स में कमाल करके, लड़की भी कमाल करे, दोनों इक्वल है यार, ये तो बॉयज़ बुरा मान जाएंगे। पीवी सिंधु भाई, इनसे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी बट ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल भी लेके आए वुमेन्स सिंगल बैडमिंटन के अंदर, बड़ी बात है, एक्सपेक्टेशन तो भाई तुम्हारी हमेशा सबसे गोल्ड की रहेंगी, बट प्लेयर ने जितनी मेहनत करी है उस मेहनत से उनने जो अपना 100% परफॉर्मेंस दिया है वो मैटर करता है, और वो उनने वहाँ से लेके आए। इंडियन हॉकी टीम भाई ब्रॉन्ज मेडल मेंस हॉकी में, थोड़े से हमारी वुमेन्स हॉकी टीम का मेडल चूक गया बट ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है नेक्स्ट ओलंपिक्स में शायद वो ले आए। उसके बाद बजरंग पुनिया है ना मेंस 65 kg रेसलिंग में, इनने भी क्या लेके आए हैं, मेडल लेके आए हैं ब्रॉन्ज मेडल। सर याद रखना है कि सबके नाम याद रखना है, नाम भी मेडल भी और कौन से इवेंट में लेके आए हैं वो भी, तीनों याद रखना है भाई, मतलब इसको तो एकदम घोल के पी लो, घर में बोर्ड लगा दो इसका और रोज आते जाते देखो, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो सब जितने बॉक्सेस बनाए हैं पूरा का पूरा याद रखना ही है। पहला नीरज चोपड़ा साहब गोल्ड, कायमे मेंस जेवलिन थ्रो में, मीराबाई चानू सिल्वर, कायमे वुमेन्स 49 kg वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, रवि कुमार धैया सिल्वर मेंस 57 kg रेसलिंग में, लवीना बोगेन, लवीना मैं भी बोलूंगा ब्रॉन्ज वुमेन्स वेट लिफ्टिंग बॉक्सिंग में, ठीक है वुमेन्स बॉक्सिंग में, पीवी सिंधु ब्रॉन्ज वुमेन्स सिंगल बैडमिंटन, इंडियन हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेंस हॉकी, बजरंग पुनिया साहब ब्राउन 65 kg मेन 65 kg रेसलिंग में। हाँ ये संदीप विशिष्ट ही आएंगे हमको बुक में, एक लड़के ने बताया कि सर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रीनेम कर दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, हाँ इंपॉर्टेंट है वो, अगर इसमें आएगा बुलेटिन में आएगा ही आने वाली बुलेटिन में, ठीक है, और अगर मान लो नहीं भी आता तो इसने अच्छी चीज़ बताया, मैं वैसे भी आपको आगे जाके बताऊंगा ही, लेकिन इसने अच्छी चीज़ बता दी एक बच्चे ने, बोले जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करते थे ना उनका नाम चेंज करके अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद तो हमारी कंट्री के शान थे भाई, ठीक है क्लियर। पैरालंपिक्स में भी गजब मेडल आए हैं, हाँ आफ्टर मेनी ईयर्स हमारी हॉकी टीम को मेडल मिला है, धीरे धीरे जैसे क्रिकेट का बहुत ज़्यादा बोलबाला हुआ था हमारी कंट्री के अंदर, वैसे मेरे को लगता है कि अब धीरे धीरे हॉकी का भी होगा, क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स हमारी कंट्री का क्रिकेट नहीं है हॉकी है, पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं। लास्ट पॉइंट, गवर्नमेंट इज़ वर्किंग टू क्रिएट अ ग्रेटर सिनर्जी बिटवीन एजुकेशन एंड स्किल्स, भाई ये तो मैं खुद चाहता हूँ, फॉर मेकिंग फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर उनका नाम मेरे को ना चैट में आ जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, इनने क्या बोला कि हम फ्यूचर वर्कफोर्स रेडी फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स बनाना चाहते हैं, ठीक है उसके लिए हम एजुकेशन के साथ साथ स्किल को भी क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब क्या प्रॉब्लम है आज की तारीख में, मैं आपको ये एक्चुअल में बताता हूँ, ठीक है आपको मेरी बात बुरी भी लग सकती है, बुरा मान के कोई फायदा नहीं है, मैं एक्चुअल में आपको ये बात बताता हूँ कि आज की तारीख में हमारी कंट्री के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है,
ठीक है, उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि भाई बच्चा पढ़ लेता है, बच्चा 12वीं कर लेता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है, बट फिर भी उसको प्रॉपर जॉब नहीं लग पाती उसकी डिग्री के अकॉर्डिंगली। इतनी कई डिग्रियां लेके बैठ गए लोग, फिर भी उनको प्रॉपर जॉब नहीं लग पाती है, 8,000, 10,000, 15,000 में भी उनको जॉब नहीं मिलती है। तो सर ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसीलिए होता है कि हमारी कंट्री के अंदर रट्टू तोता फौज तैयार हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रट्टू तोता फौज, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हैं, रट्टा लगाते हैं, एग्जाम देते हैं, पास होते हैं, डिग्री लेके बैठ जाते हैं। अब वो ऐसी डिग्री का कोई मायने ही नहीं है जीवन में। जब जब डिग्री के बेसिस पे जॉब ही नहीं मिलेंगी, कुछ कर ही नहीं पाओगे जीवन में, तो वो डिग्री का क्या अचार डालोगे? तो ये बात गवर्नमेंट भी अब भली बात ही समझ गई है, और आपको पता है या नहीं पता है, एक्चुअली में ये बातों को लेकर आज की तारीख में जो इंडस्ट्रीज है जहां पे आप लोग जॉब के लिए जाओगे आगे चल के, ठीक है, वो लोग बोलते हैं ये बातें भाई। पूरा तो काम इसको हमको सिखाना पड़ेगा, ए से लेके जेड तक सब तो इसको हमको बताना पड़ेगा, और उसके लिए हम उसको पैसे भी दें? उल्टा वो बोलते हैं इसने हमको पैसे देने चाहिए। ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के हाल है एक्चुअली में कंट्री के अंदर। बुरी लगे बुरी लगे, लेकिन एक्चुअल बात बता रहा हूं मैं। बंदा पूरा कॉमर्स पढ़ लेता है, पर कॉमर्स के अंदर एंट्री जो मारी जाती है ना, उसका मतलब उसको समझ में नहीं आता। एम कॉम ग्रेजुएट रहते हैं, एमबीए मैनेजमेंट टेक्निक, एमबीए करके आते हैं कई सारे लोग, कौन से कॉलेज से करते हैं, भगवान ही मालिक है उनका। देखो बड़े बड़े कॉलेज वाले तो पहले से ही स्किल्स सिखाते हैं, तुम्हारे प्रोफेशनल एग्जाम जो होती है सीए सीएस की, इसमें भी बहुत ज़्यादा स्किल्स पहले से क्या करी जाती है, तुम्हारे को सिखाई जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑलरेडी तुम्हारे लिए कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन अगेन इसमें भी कई सारे रट्टू तोता आ जाते हैं, इनकी भी कंप्लेंट्स आती है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या बोली है? गवर्नमेंट ने बोली है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसके अंदर हम एजुकेशन के साथ साथ स्टूडेंट्स की स्किल के ऊपर भी क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी, ठीक है, ताकि वो एक्चुअली में फ्यूचर वर्कफोर्स रेडी हो जाए हमारी कंट्री के लिए। ऐसा ना हो सिर्फ वो डिग्री ले और उसको कोई कामकाज ही नहीं आता हो, कोई स्किल ही नहीं पता हो। तो इसके ऊपर भी हमारी कंट्री क्या कर रही है, ध्यान दे रही है। ये हमारे जो कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर है, मेरे को नाम भी नहीं पता उनका, आपको पता है क्या उनका, एजुकेशन मिनिस्टर का नाम? हमारी कंट्री के जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है, यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान साहब है, उनने बोला है कि हम मोदी साहब की लीडरशिप में ये चीज़ को भी क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा रहे हैं। और मेरी खुद से ये चीज़ को छोड़ दे तो दिए हुई है यहाँ पे 21st सेंचुरी स्किल्स जो रिक्वायर्ड रहती है यूथ के अंदर, ठीक है, बहुत अलग अलग स्किल्स बोल सकते हैं आप, कंप्यूटर सीखना अच्छे लेवल पे, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी स्किल्स है वो आपको गैटर करना, प्रेजेंटेशन स्किल नहीं आती भाई। एमबीए कर लेता है बंदा, उसको बोलो खड़े हो जा बोल के बता, बेच माल, तो एमबीए है ना, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बेच के दिए मैंने, दो वर्ड बोलने में अटकता है वो, ये फैक्ट है। बुरी लग रही होंगी मेरी बातें क्योंकि मैं बहुत खड़ी लैंग्वेज बोलता हूँ, लेकिन ये फैक्ट है भाई। और तुम लोग ये चीज़ सीख लो अपनी लाइफ में, अगर ये चीज़ नहीं सीखे ना तो आगे चल के बहुत दिक्कत होंगी। जब तुम बोर्ड मीटिंग्स में जाओगे, जनरल मीटिंग्स में तुमको बोलना रहेगा, और वहाँ अटक अटक के बोलोगे, किस तरीके से चलेगा जीवन? तो बहुत सारी स्किल्स तुमको अपने लेवल लाइफ में क्या करनी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए। और एजुकेशन मिनिस्टर ने भी उसके ऊपर क्या किया, फोर्स दिया है कि भाई ऐसा होना चाहिए। तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम उसी तरीके से वर्कफोर्स आगे के लिए क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, इसी तरीके से हमने जो हमारे नया एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, ठीक है, उसको भी बनाया है। तो बहुत अच्छी बात उनने ये बोली, जैसे बोले हैं उनने, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा, कीवर्ड्स क्या है भाई, वो ज़्यादा ज़्यादा ये पूछ सकते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या बोला है, तो अबाउट एजुकेशन एंड स्किल्स, ताकि फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स रेडी हो जाए, बस। मतलब मैं तो पहले देखो, मैं आपको बताऊँ ना, मैं 10th तक लिटरली आई वॉज लाइक जबरदस्ती पढ़ने वाला बच्चा, मजबूरी में स्कूल भेजा जाता था मेरे को, उसमें भी मैं आधे टाइम नाटक करता था, पेट दुख रहा, ये दुख रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, ठीक है, बट क्या कर सकते, घर वाले तो आपको मालूम है, और ख़ासकर मेरी मॉम ज़बरदस्ती भेजते थे मेरे को, और कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था मेरे को स्कूल में जाके। आधे टाइम तो स्कूल वाले मेरे को बाहर खड़ा रखते थे, कोई मैडम, आई रिमेंबर एक मराठी का लेक्चर होता था हमारे इधर, मराठी अली मैम, व्हेन आई वाज इन 10th, सो आई और मेरे साथ मेरे दो फ्रेंड्स थे, ऐसा हो गया था उनके लेक्चर में, तो भाई लेक्चर चालू होने के बाद ही मैडम को हम खुद ही पूछ लेते थे, मैडम बाहर जाए, हाँ खड़े हो जाओ जाके बाहर, लेक्चर चालू होता था मैडम अंदर पूछती थी, मैडम बाहर खड़े हो जाए, हाँ खड़े हो जाओ, मालूम है उनको अभी नहीं तो 10 मिनट बाद वैसे ही बाहर भेजूंगी इनको मैं। तो उसका रीज़न ये था कि भाई मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता था क्या बोल रहे दुनिया में वो लोग, मैं क्वेश्चन पूछता था वो लोग मेरे को उल्टा जवाब देते थे, डांट के बैठा देते थे, अपन ने पढ़ने छोड़ दी, अपन बोले अपने बस की ही नहीं है, कैसे तो भी मैथ्स के भरोसे जीवन अपना निकला थोड़ा बहुत, और अपन ने 10th क्लियर किए बाय स्कोरिंग बहुत डिस्टिंक्शन बोल सकते हैं, 75% गर्व से बोलता हूँ। बट जब हम 11th 12th में आए, जब हमने पढ़ाई को एक्चुअल में समझे,
क्या चीज़ें उसको बिजनेस से रिलेट करे कॉमर्स को पूरा, और जब पढ़ने में मज़ा आना चालू करी तो आई वॉज द कॉलेज टॉपर इन 12th इन अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। ठीक है, बाद में तो हिस्ट्री लिखी हुई है आपको पता है, क्या ही बोलूँ मैं आगे। खैर चलो छोड़ो, हो गया बहुत मोटिवेशन। ठीक है, अरे देखो ये देखो है सर, चाइना टोटल 84 मैडम, उनके करंट अफेयर के सिलेबस में बर्डन हो गया है। नहीं, उनके उनके करंट अफेयर बच्चा पूछता है, बोले सर चाइना में 84 मेडल्स आए हैं। ठीक है, मेरे को भी याद नहीं कितने आए, देखना पड़ेगा। हाँ आए होंगे 84 वगैरह, कुछ 36 या 37 गोल्ड थे, मैं भूल रहा हूँ उनको। ठीक है, तो खैर उनके करंट अफेयर्स में ये चीज़ इंपॉर्टेंट ही नहीं है, उनके लिए आम बात है। हमारी कंट्री के लिए शान की बात इसीलिए हुई 7 मेडल लाना, क्योंकि हमारी कंट्री में इतने मेडल्स आते नहीं जनरली, उनकी कंट्री के लिए रेगुलर हो चुका है। बट ठीक है, मैंने देखा है चाइना में जो वर्क फोर्स रेडी होती है ओलंपिक्स के लिए, अब वो वीडियो मैंने एक देखा था, सही है गलत है मालूम नहीं, बहुत ही तकलीफ दे के बच्चों को यहाँ तक लेके जाता है, मतलब मेडल के एकदम दबाव ही रहता है उनके ऊपर। हमारी कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा एथलीट्स को हमारी कंट्री में सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट ने, ये मेरी खुद की गुजारिश है गवर्नमेंट से, ऐसा अगर कोई गवर्नमेंट का मतलब सुन रहा होगा लोग तो। मैं तो पहले ही टैलेंटेड हुआ था श्वेता, कैसी बात कर रहे हैं बच्चा, सर आप तो सीए हो टैलेंट हो, ये क्या बात हो गई, पढ़ते पढ़ते चीजें आई है, अभी तो बता रहा था आपको, आधे टाइम बाहर रहता था मैं, सीखते सीखते चीजें आई है। चलो भाई, सो नाउ थैंक यू सो मच गाइस, अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, तुम्हारे भाई को बता देना, डिसलाइक वाले तो तुमको मालूम है, तुम लाइक कर दो। तो सर आप मेरे जैसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो, मैं भी बाहर खड़ा रहता था। अभिजीत सर, ओके, ये अभिजीत सर है या कोई अभिजीत सर की आईडी बना के कर रहा है भगवान जाने। चलो अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक शेयर कमेंट कर देना भाई, कमेंट कर देना तो अच्छा लगेगा तुम्हारे भाई को। आज हम भाई हमारा क्या होता है, करंट अफेयर्स खत्म होता है पूरा, उसकी रेगुलर क्लास। ठीक है, हम फिर अब नेक्स्ट जब मिलेंगे तो उसके लिए अनाउंसमेंट आपके ग्रुप में आ जाएंगी। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस, बाय 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 गाइस। हाँ बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, हाँ तो वहाँ बता दूंगा मैं करंट अफेयर से।